छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार करने में जुटी हैं। इस बीच गुरुवार 2 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच पीएम मोदी का ध्यान भीड़ में खड़ी एक बच्ची पर गया, जो एक तस्वीर के साथ खड़ी थी। इसके बाद पीएम मोदी ने मंच से कहा, बेटी मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी तुम कब से खड़ी हो, थक जाओगी, बैठ जाओ। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं तुम्हें जरूर चिट्ठी लिखूंगा, आप भी देखिए यह वीडियो। बेटी मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार वीडियो में दिख रही बच्ची छत्तीसगढ़ के कांकेर की रहने वाली है, जिसने पीएम मोदी का दिल जीत लिया। 10 साल की इस बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर महज 3 घंटे में बना ली। चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास नहीं हो सकता, दोनों में 36 का आंकड़ा है। अगर मोदी की गारंटी है कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी और यहाँ विकास होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन देखना होगा कि जनता अब किसे चुनती है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं, और देखते रहे जनहित टाइम्स।